तो कोरोना के बाद अब महाराष्ट्र में एक और खतरा सामने आ रहा है। राज्य में 100 से ज्यादा मुर्गियों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद एक बार फिर घबराहट बढ़ गई है। 100 से ज्यादा मुर्गियों की मौत थाने शहर के एक पोल्ट्री फार्म में हुई है, जिसके बाद लगातार खतरा बढ़ गया है कि अब बर्ड फ्लू फैल सकता है। हालांकि जब जांच की गई इनके संक्रमण की तो ये पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू फैल गया है। राज्य में एक और महामारी का खतरा बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने इस पर लोगों से चिंता करने की अपील नहीं की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बुरी खबर ये है कि अब 23,000 से ज़्यादा मुर्गियों को मारने की तैयारियां भी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार ये संक्रमण फैल रहा है। वहीं अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये घातक वायरस आखिर आया कहां से। अभी भी हम कोरोना से निकले नहीं हैं, अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बरकरार है। लेकिन इस वक्त जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद लगातार चिंताएं बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। केरल में भी ये जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो लगातार बढ़ गया है। अब थाने के जो पोल्ट्री फार्म में है और कई पोल्ट्री फार्म में अब 23,000 से ज़्यादा मुर्गियों को मारने की तैयारियाँ शुरू हो गई है। एक और महामारी का खतरा महाराष्ट्र में बढ़ गया है, लगातार चिंता की बात है। 23,000 से ज्यादा मुर्गियों को अब मारने की तैयारियां शुरू हो गई है। अभी कह सकते हैं कि हम कोरोना से बाहर नहीं निकले हैं। आपको बता दें कि 2, 5 और 10 फरवरी को ये जो मुर्गियों की मौत का सिलसिला है वो शुरू हो गया था। हालांकि तब पोल्ट्री फार्म के जो मालिक थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं जब धीरे धीरे ये मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा, तब जो सैंपल्स थे वो पुणे भेजे गए और जब इसकी पुष्टि हुई, जब लैब की रिपोर्ट बाहर आई, तब ये पता चला कि इनकी जो मौत है वो बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इसके बाद अब 23,000 से ज़्यादा मुर्गियों को मारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो एक और महामारी ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है।